फीमेल अगर निकल जाएगी तो मेल देखो पीछे पीछे चला जाएगा, मतलब हम लोगों को भी दौड़ा दौड़ा के भगा सकता है, थोड़ा सा भी डर नहीं। सूर्या लो पानी भी दे दिया। वाह सारे कॉकाटेल्स देखो, पहले बात में करेंगे लेकिन सारे कॉकाटेल्स का ब्यूटी देखिए कितना खूबसूरत है, सारे के सारे पैचलेस कॉकाटेल। और कुछ है जैसे इसको बटरफ्लाई बोलते हैं शायद। और यहाँ तो ब्लू फॉन्टेड अमेजन, ब्लू हेडेड पायनियर्स, एमा कन्यूर, लव बर्ड्स, यहाँ भी कॉकाटेल्स, यहाँ मोंग पैराकीट, यहाँ हंस मकाओ, अफ्रीकन ग्रे पैरट, मतलब देखिए। और सारे के सारे बर्ड्स एकदम 100% परफेक्ट है। और परिचय करना चाहेंगे दादा के साथ। इससे पहले दादा और दीदी बहुत बार हम लोगों का पैरट दीपंकर एक्सोटिक बर्ड ब्रीडिंग फार्म पे आ चुके हैं और दादा दीदी एक्चुअली नया घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसी के लिए सारे बर्ड्स, इससे पहले भी बहुत सारा बर्ड्स बहुत दिनों से मेरा यहाँ है और फाइनली अभी शिफ्टिंग का काम, मतलब एक घर से दूसरे घर में जाने का तैयारी शुरू हो गया है। तो फाइनली और जो सारे बर्ड्स था कुछ दिन के लिए हम लोग यहाँ रहेगा, उसके बाद दादा नया घर में चला जाएगा। इन लोगों को छोड़ के क्या होता है, क्या फील होता है, वो जो बर्ड लवर होता है उनको ही पता चल रहा है। क्या बोलूं, मैं सोच रही हूं, हां एक खुशी है, इन लोगों के लिए हम घर बनाने जा रहे हैं। आशीर्वाद कीजिए कि इन लोगों के लिए सबसे अच्छा घर हम लोग इन लोगों के लिए बना सके। बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक ऐसी के पास है जो हम आराम से रात में जाके सो सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। दादा और दीदी ने मिलके इतना सारे बर्ड्स, यहाँ तो इतना सारा है और पहले से भी बहुत सारा मतलब रखे गए हैं, तो इतना सारे बर्ड्स को मेंटेन करना मतलब उतना इजी भी नहीं है। और हम दोनों हाँ सभी को तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, काम करने के बाद इन लोगों के पीछे इतना टाइम देना ये मतलब बहुत मेहनत की बात है। और दादा आप अगर नहीं होते तो हम लोग, अरे नहीं 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 दादा, ये आपका बहुत बड़ा हेल्प दादा, बोल के भी हम बयान नहीं कर सकते। अरे बहुत बड़ा, कोई बात नहीं दादा, पक्षी प्रेमी है हम सब, तो कोशिश करेंगे कि सारे बर्ड लवर्स का बर्ड सही रहे। उसके लिए सबको सब एक दूसरे के पास जाके थोड़ा सा अगर उनको सपोर्ट मिलता है, बहुत खूबसूरत सेटअप बन रहा है। और वो सारा सेटअप का वीडियो या दीदी का बारे मतलब इतना सारा खूबसूरत बर्ड्स कहाँ कैसे क्या सेटअप बन रहा है, तो दीदी का एक चैनल है वहाँ जाइए और विजिट कीजिए, आपको पूरा अपडेट पता चल जाएगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है माई डिजिटल स्टोरी बाय अंकिता। अपना जो स्टोरी है वो मैं सोशल मीडिया के थ्रू, बचपन में डायरी लिखती थी तो इसीलिए वो स्टोरीज टाइप का होता, तो आजकल मतलब डिजिटल जमाना है तो मेरा डायरी आज डिजिटल हो गया, इसीलिए डिजिटल स्टोरीज बाय अंकिता। बहुत बहुत खूबसूरत नाम है चैनल का, और जल्दी से जाइए चैनल को विजिट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए। अगर सारे वीडियोस को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो हो जाना चाहिए। और जो सारे बर्ड लवर्स है, इतना खूबसूरत सा बर्ड्स, और दीदी ने अभी अभी जो कहा है कि दूसरे का बर्ड्स के लिए भी ऐसे एकोमोडेशन कुछ बनने जा रहा है कि आज पैरट दीपंकर का फार्म पे दीदी जैसे सारे बर्ड्स रख के जा रहे हैं कि दीदी का घर में भी दूसरा किसी को अगर हेल्प के लिए वहाँ रखना पड़े, अंदर अगर किसी को यहाँ तक आ नहीं पाए। जी 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 जी, मैं भी कोशिश करूँगा। बहुत अच्छा प्लान है, पक्का। और अभी इन सबको लेके जाएंगे और इन लोगों का परफेक्ट सही जो जगह होना चाहिए उसी जगह में शिफ्ट करेंगे। नाम का सुबह का टाइम होता तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि नए जगह में शिफ्ट होने के लिए थोड़ा सा मतलब टाइम मिल जाता है। अभी तो अंधेरा होने वाला है, क्योंकि नया बात नए जगह में छोड़ने के बाद उन लोगों के पास जगह थोड़ा सा खड़ा रहना पड़ता है ताकि नए जगह में वो लोग एडजस्ट हो जाए। लेकिन क्या करें, दादा और दीदी को इतना दूर से जो आना पड़ता है तो सुबह का टाइम तो आना मुश्किल है। अच्छा दादा, सबसे पहले अफ्रीकन ग्रे को जहाँ रखेंगे यहाँ छोड़ देते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे ना। चलो चलो दादा आइए। तो सबसे पहले दो अफ्रीकन ग्रे को यहाँ छोड़ देंगे। गुड बॉय। चलो नो प्रॉब्लम, यहाँ ही रहना है कुछ दिन के लिए, एकदम परफेक्ट जगह है। दोस्त निकल गया, फीमेल निकल गया, फीमेल तो निकल गई लेकिन मेल थोड़ा सा समझने में बहुत टाइम लगा रहा है, तो इसी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ जाएंगे और वो अपना हिसाब से निकल जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लेगा शायद। अच्छा इसे आप ऐसे ही रहने दो, चलो। हाँ अभी आगे है एवियरी के अंदर, और सबसे पहले ब्लू फॉन्टेड अमेजन तो एकदम फुल्ली टेम्ड है और बहुत अच्छा टॉकिंग भी करता है, तो ब्लू फॉन्टेड अमेजन को हम लोग जो करेंगे ओपन एवियरी में छोड़ देंगे और कुछ देर के लिए इसका साथ रहेंगे ताकि थोड़ा सा टाइम इसको मिलेगा यहाँ बाकी दूसरे सारे बर्ड्स के साथ मिलजुल के एडजस्ट करने के लिए। हाँ ये तो बहुत स्मार्ट है। हाँ
देखो या लेकिन थोड़ा सा ध्यान से सनकॉर्नियो पीछे लगेगा। एक सेकंड रुको रुको, 10-15 मिनट टाइम जाएगा। आए आए क्या किया मंका, ओए मंका रियो साइलेंट साइलेंट, ठीक है और जैसे होता है जब कोई नया बात को हम लोग छोड़ते हैं तो 10-15 मिनट आधा घंटा तो एक जिला की मतलब इन लोगों का पुराना जगह है ये। और जब नया कोई आता है, अरे चुप हो जाओ यार, जब नया कोई आता है थोड़ा सा तो उसको एडजस्ट करने में, इसी के लिए बाहर जैसे कहा था ना कि थोड़ा सा टाइम इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद सब एडजस्ट हो जाएगा। नहीं मंका मंका साइलेंट, क्या कर रहे हो, चुप चुप, सब सब मिल के रहना है। 10-15 मिनट आधा घंटा कैसे टाइम लेगा। और संजय सारे सनकॉर्नियर्स को पकड़ के सेपरेट किया जाए शाम को, आज रात को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अटैक करने वाला बार जेबीआरी के अंदर जो रहता है वो सनकॉर्नियर्स होता है। जब नया कोई बार चाहता है दूसरा कोई बार तो इतना तंग नहीं करता है, लेकिन सनकॉर्नियर्स हाँ चुप हो जाओ, रियो और मांगता ये लोग भी थोड़ा सा नहीं सब एडजस्ट हो जाएगा। और अभी जो करेंगे हम लोग का, यहाँ और एक सेनेगल रहता है, सेनेगल पैरेट यहाँ बैठा है, ये जो सेनेगल है ये भी सिंगल है, और दादा के पास यहाँ भी एक सिंगल सेनेगल पैरेट है, और दादा का जो कहना है ये शायद फीमेल होगी ना, और इसका भी डीएनए नहीं किया हुआ है, लेकिन दादा का जो मतलब अंदाजा है ये मेल हो सकता है। तो देखते हैं अगर प्यार हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छा बात होगा। जाओ ठीक है, रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। और वो तो बहुत अच्छा फ्लाई करता है हाँ। और इसके बाद यहाँ दो मॉन्क पैराकीट, ग्रीन मॉन्क पैराकीट, तो जो मॉन्क का कॉलोनी है यहीं छोड़ देंगे। मॉन्क पैराकीट के साथ मॉन्क पैराकीट एडजस्ट हो जाएगा, कोई लड़ाई नहीं होगा। फिर भी ये सारे तो एडल्ट है, और ये लोग भी एडल्ट है, ग्रीन मॉन्क पैराकीट, देखते हैं। गुड बॉय, हाँ ये लोग बहुत समझदार है। गुड अंका, अभी जो है दो हंस मकाव है, इन लोगों को भी ओपन एवियरी में छोड़ देंगे। देखो तो जाओ तो यहाँ, गुड बॉय गुड बॉय, देखो निकलते ही खाना चालू कर दिया। चलो जाओ जा। ओ ये तो रॉकेट फ्लाई लगाया, ओए हाँ नहीं नहीं एडजस्ट हो गया। अभी ये सारे जो छोटे छोटे कनूर थे, ये इमा कनूर और ये ब्लू थ्रोटेड कनूर, ब्लू थ्रोटेड इमा कनूर और ब्लू थ्रोटेड कनूर को भी छोड़ देंगे एवियरी में, ये लोग भी शायद एडजस्ट करके रह जाएगा। देखते हैं अगर कोई भी दिक्कत होगा, हम लोग तो है तभी पकड़ के सेपरेट करके अलग कर देंगे। कनूर स्पेसिस के अंदर शायद सबसे छोटा कनूर है, बहुत क्यूट है। जाओ 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 चला गया सर। इन लोगों का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इन लोगों को कोई तंग करने वाला नहीं होगा शायद। चलो देखते हैं, चलो फर्स्ट टाइम हाँ। चलो अभी बाकी का, ये जो ब्लू हेडेड पायनियर्स है इन लोगों को उस कोने का जो ब्रीडिंग केज है, एक्चुअली दादा का इससे पहले से यहाँ एक येलो क्राउन अमेजन का ब्रीडिंग पेयर है, लेकिन इन लोगों को अभी दादा का यहाँ जो सारे बाकी का अमेजन है, ऑरेंज इंडियन रेड लोड अमेजन है, तो वो दोनों येलो क्राउन को ले आके यहाँ शिफ्ट कर देंगे, और ये जो ब्लू हेडेड पायनियर्स है इनको वहाँ छोड़ देंगे। इन दोनों को एंड में हम लोग शिफ्ट करेंगे, उससे पहले ऊपर जाएंगे सारे कॉकाटेल्स एंड लवबर्ड को छोड़ के आएंगे। चलो चलो तो आ गए हैं ऊपर, बंद कर दो गेट। सबसे पहले बजिस्का कॉलोनी में ये सारे लवबर्ड्स को, लवबर्ड से 5 पीस ही है तो मतलब और स्पेस नहीं है, जब तक हम लोगों का वो नया फार्म नहीं बन जाता है तब तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि बाढ़ का हिसाब से हम लोगों का ये एवियरी बहुत छोटा पड़ रहा है। तो फिलहाल थोड़ा सा और कुछ महीने के लिए ऐसे एडजस्ट करके सारे बाढ़ को रखना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ तो बहुत बड़ा सा स्पेस है, जस्ट केज बनाना है और इन लोगों को बहुत ज़्यादा जगह देना है, ठीक है ना। जाओ और देखो लव बर्ड कितना सुंदर है सब, चलो जाओ 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 जाओ।
चलो 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 जाओ जाओ, गुड गुड, निकल गया सर के सारे लव बर्ड। कितना ब्यूटी है, कितना प्यारा है। हाँ हम है, ठीक है ठीक है। बहुत बड़ा स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस तुम लोगों को मिल गया। अभी एकदम हैप्पीली यहाँ बहुत लंबा उड़ान लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़, सारे बजीज के साथ लड़ाई मत करना, ठीक है ना। यहाँ बहुत सारा बजीज भी है, सबके साथ लड़ाई मत करना, थोड़ा सा मिलजुल के एडजस्ट करके रहना, ठीक है। और अभी बारी है सारे कॉकटेल्स का, चलिए। बहुत सारे कॉकटेल्स आ गया है, अभी सबको एक साथ गेट ओपन कर देते हैं। चलो जाओ जाओ जाओ, अरे निकलो सब। हाँ देखो देखो, सब निकल रहा है गेट करके। जाओ 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 जाओ, सोच समझ के संभाल के। गुड बॉय, ये बहुत समझदार है। देखो देखो, बहुत सारा मच्छी भी पहले से लगा हुआ है, और ये सारे के सारे कॉकटेल्स भी एडल्ट है। अगर कुछ रिजल्ट होगा तो यहाँ ये लोग आराम से कर सकता है। दो दो करके रह गया हर एक केज में, बाकी का सब निकल रहा है। जाओ जाओ जाओ, छोड़ दिए हैं सारे कॉकटेल्स को, और बाकी ये सारे जो कॉकटेल्स हैं एक परिवार है। दादा दीदी का जो कहना है, इन सबको ऐसे इन सब के साथ छोड़ेंगे तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ दो छोटा छोटा बच्चा है, उन लोगों का पेरेंट्स अभी तक उन लोगों को फीड कराता है, तो इन लोगों के लिए एक सेपरेट पूरा अलग सा एक केज का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, और वीडियोस में जैसे कहता रहता हूँ ना कि कॉकटेल काटता बहुत तेज़ है, देखिए थोड़ा सा एक झलक टाइम मिला, मतलब इन लोगों का मतलब उतना बाइटिंग पावर उतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन इन लोगों का बीक मतलब चूँच इतना शार्प है कि थोड़ा सा भी टच कर दे तो ऐसे खून निकल जाता है। चलो इन लोगों के लिए कुछ अलग सा बंदोबस्त करना होगा। और इन सबका अंदर ये जो कॉकटेल है, दीदी का जो कहना है, ये फुल्ली टेम्ड है। दीदी लीजिए, ओ इसका नाम क्या है दीदी? पुपू। ओ कितना सुंदर है देखो। कॉकटेल्स को सनकोनी और जितना ज़्यादा तंग नहीं करता है, क्योंकि मेरा भी जब ओपन एपियरी में टेम कॉकटेल्स को छोड़ता हूँ तो इन लोगों का पीछे उतना तंग कोई नहीं करता है, ये रह जाएगा। और ये सच में बहुत अच्छा टेम्ड है। आ जाओ तो, ओ ये तो शेपअप भी बहुत अच्छा करता है। चलो यहाँ थोड़ा सा तो फ्लाई करना ही होगा तुमको। हाँ, यहाँ से दो येलो क्राउन अमेज़न को पकड़ ब्लू हेडेड पायनियर्स का जो ब्रीडिंग पेयर है यहाँ छोड़ पाएंगे। अभी इस गेट को बहुत अच्छे से लॉक करना होगा, नहीं तो मांका तो तोड़ फोड़ करके सब खराब कर देते हैं। लेकिन अभी कुछ अच्छे से बंद करने का बंदोबस्त करो संजय अभी। हाँ वो करेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। अभी देखो मांका का बदमाशी देखो, इनको जब पानी पीना होता है तो यहाँ ऐसे टाप खोल के ही पानी पिएगा। इतना बड़ा बड़ा बर्तन में पानी दिया जाता है, फिर भी यहाँ ठीक है करने दो, और क्या कहेंगे इसको। बंद कौन करेगा। ये जो कॉकटेल्स का परिवार है, इन सबको एक साथ रखेंगे तभी जाके यहाँ जो सारा छोटा छोटा बेबीज है उन लोगों का पेरेंट्स भी सही से फीड करा पाएगा। चलो अभी इन सबको छोड़ देते हैं। और दीदी ये तो आपका कंधों पे पहले से, इसको आप छोड़ के जाएंगी कैसे? हाँ, कितना प्यारा है। संजय एक चीज़ ध्यान में रखना है, अगर इनका पेरेंट्स सारे बच्चे को सही से फीड कराता है तो सही है, नहीं तो हैंड फीडिंग में ले लेना होगा, क्योंकि यहाँ दो बच्चा है। हाँ बॉक्स सब रेडी करके दे देना है। गुड गुड वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल है। शुक्रिया संजय, यहाँ एक नेस्ट लगाना है। हाँ, और इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भूखा है, अभी खाना डाल दो। हाँ छोड़ दिया है सबको, अभी से बाकी रह गया ब्लू हेडेड पायनियर्स। और इसका जो मेल या फीमेल कुछ भी है, ये एक आंख से अंधा है, मतलब एक आंख में ये देख नहीं सकता, वो व्हाइट सा पोर्शन दिख रहा है ना, कुछ भी है दोनों का अंदर बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। चलो चलो जाओ। हाँ फीमेल अगर निकल जाएगी तो मेल देखो पीछे पीछे चला जाएगा, मैंने जो गेस किया था वही सही है। देखो मेल कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, कितना ज़्यादा केयरिंग करता है, कितना ज़्यादा प्यार करता है फीमेल को।
ताकि फीमेल को कुछ हो ना जाए, इसी के लिए कितना ज़्यादा एग्रेसिव मोमेंट में अटैक करता रहता है, मतलब हम लोगों को भी दौड़ा दौड़ा के भगा सकता है, थोड़ा सा भी डर नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा यहाँ पानी देना होगा, सूर्या लो पानी भी दे दिया, खाना खा लो, कितना सुंदर है। चलो मेल मेल बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, ज़्यादा डिस्टर्ब मत करवा, जाओ। छोड़ दिया है सबको, और सही से जिसको जहाँ रखना चाहिए था उसी हिसाब से छोड़ दिया, बाकी थोड़ा सा देख लेंगे, एक दो दिन वॉच कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो और भी बेहतर बेस्ट जो होगा उसी हिसाब से डिसीजन लेके वैसे ही चेंज कर देंगे। फिलहाल आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करेंगे, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो कर दीजिएगा, लेकिन दीदी का कंधों में तभी से ये छोड़ ही नहीं रहे, तो दीदी मेरा जो बेस्ट होगा उसी हिसाब से इन लोगों का केयरिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। दीदी का जो चैनल है वहाँ जाइए, दीदी को भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, डिजिटल स्टोरीज बाय अंकिता, डिजिटल स्टोरीज बाय अंकिता चैनल में जाइए, सारे वीडियोस को वॉच कीजिए। सारे बात को तो छोड़ दिया, सब ठीक ठाक है, लेकिन इसको जो देखा, मतलब मैडम जी के साथ जो अटैचमेंट है, दीदी के साथ जो अटैचमेंट है, मतलब हमको ही बुरा लग रहा है कि इसको यहाँ कैसे रखे। तो मैंने कहा कि दीदी इसको आप साथ लेके जाइए, कुछ भी जहाँ आप जाइएगा, ऑफिस जाइए या कहीं भी जाइए, इसको साथ में, क्योंकि इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तभी से इतना एवियरी के अंदर इतना दौड़ भाग, इतना सारा बार्ड्स का कितना शोर, हाँ ये चुपचाप। और ये देखिए ये कॉकटेल्स तो बहुत देखे हैं, लेकिन ये तभी से मैं भी ऐसे कर रहा हूँ ना, तो ये देखो इसको आप कुछ भी मतलब कैसे भी करके पकड़िए, कुछ नहीं, मतलब इतना अच्छा। देखिए कॉकटेल्स कॉकटेल्स होता है, टेम टेम होता है, लेकिन उन सारे टेम कॉकटेल्स के अंदर भी कुछ कुछ पैरट्स का नेचर ऐसे होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ। और ये जो बर्ड है उन्हीं डिफरेंट बर्ड्स के अंदर एक है। दीदी आप लेके जाइए इसको। मैं वही सोच रही हूँ। वाह। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जैसे फ्रेंड्स है उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दीदी ये जो बोल नहीं पाते जो लोग, इन लोगों के लिए अनकंडीशनल लव है, इन लोगों के लिए अगर कुछ आप कर पाओगे ना, थोड़ा सा भी अंदर से सुकून मिलता है, अंदर से हाँ शांति मिलता है, अपने आप को बोल सकते हो कि मैंने कुछ किया, तो डेफिनेटली दादा एक इंस्पिरेशन हो आप मेरे लाइफ में, थैंक यू, थैंक यू, इंस्पिरेशन हम दोनों के लाइफ में, हम आपको देख के लॉकडाउन में इंस्पायर्ड हुए कि हम बर्ड्स के लिए, इनफैक्ट हमारे पास जो बर्ड्स हैं उन लोगों के लिए भी नहीं जो नेचर में है, गर्मी के टाइम पानी देना, उनको दाना प्रोवाइड करना, बहुत बढ़िया, ये भी एक छोटा सा ह्यूमन जेस्चर है जो हम इन लोगों के लिए कर सकते हैं, और भी नॉलेज के लिए कि हम कितना कुछ कर पाए, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पैरेंट दीपंकर, प्लीज थैंक यू सो मच, तो कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।